अच्छे हो ना। तो इतने दिनों से हम लोग इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स पढ़ रहे थे ना, रोज पढ़ते थे ना जूम क्लास पे, वीडियोस मैम आपको भेजती थी, तो पढ़ाई करते थे ना। अच्छा ये बताओ, रिवीजन किस किस ने किया? सब लोग रिवीजन कर रहे हो ना? हाँ सब लोग रिवीजन करते रहना, वरना याद नहीं रहेगा। जो पढ़ते हो उसे रिवाइज करते रहो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है? तो आज हम लोग नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आज हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? नया सब्जेक्ट आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस। क्या पढ़ेंगे? ईवीएस। ईवीएस का मतलब होता है एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंट मतलब जो भी आपके सराउंडिंग्स में हो रहा है उसे एनवायरमेंट कहते हैं। आपके सराउंडिंग्स को एनवायरमेंट कहते हैं। पेड़, पौधे, सूरज सब एनवायरमेंट का पार्ट है, ठीक है? तो आज हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे, ठीक है? तो ईवीएस में मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगी अबाउट माई सेल्फ। क्या पढ़ाऊंगी? अबाउट माई सेल्फ। माई सेल्फ मतलब आपके बारे में, ठीक है? हम अपने अपने बारे में पढ़ेंगे कि हम कौन है, हमारा नाम क्या है, हमारे मम्मा पापा का नाम क्या है, हम कहाँ रहते हैं, है ना? ईवीएस में हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे, माई सेल्फ में ये पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखो सबसे पहले माई सेल्फ में हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है माई नेम इज डैश, ठीक है? माई नेम इज मतलब मेरा नाम है। क्या मतलब माई नेम इज? माई नेम इज मतलब मेरा नाम है, ठीक है? अब जो भी जिसका नाम है वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? जैसे माई नेम इज, मैम का नाम है प्रतिमा दीक्षित, तो मैम अपना नाम लिखेगी यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, ऐसे प्रतिमा दीक्षित। ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस है आपका माई नेम इज।
बाद आता है हमारा फिफ्थ सेंटेंस। फिफ्थ सेंटेंस में हम लिखते हैं माय फादर्स नेम इज, यानी कि मेरे पापा का नाम है। आपके पापा का नाम क्या है? चलो सब बच्चे अपने अपने पापा का नाम बताओ। ठीक है, हम लिखेंगे माय फादर्स नेम इज, किसी के पापा का नाम मान लो राम है। ठीक है, तो हम लिखते हैं माय फादर्स नेम इज राम सिंह। क्या लिखेंगे? राम सिंह, जिसके फादर का जो भी नेम है वो लिख देगा। ठीक है, माय फादर्स नेम का मतलब होता है मेरे पापा का नाम। ठीक है, अब लास्ट सेंटेंस पे आते हैं जो है हमारा सिक्स्थ सेंटेंस। सिक्स्थ सेंटेंस में है माय मदर्स नेम इज, मतलब मेरी मम्मा का नाम क्या है। मेरी मम्मा का नाम क्या है? अब मेरी मम्मा का नाम मान लो सीमा है, तो मैंने लिख दिया माय मम्मास नेम इज सीमा सिंह। ठीक है, अब आपकी मम्मा का नाम कुछ और होगा, तो आप अपनी मम्मा का नेम लिखोगे। ठीक है, अब हम रिवीजन करेंगे। हमारे सिक्स सेंटेंसेस हुए। फर्स्ट सेंटेंस में है आपको अपना नाम लिखना है, माय नेम इज, सारे बच्चे अपना नाम लिखेंगे। सेकंड सेंटेंस में आई एम अ, लिखेंगे कि वो गर्ल है या बॉय है। ओके, थर्ड सेंटेंस में आई एम डैश इयर्स ओल्ड, मतलब मैं इतने साल का हूँ, ये लिखेंगे। फोर्थ सेंटेंस में आई लिव इन फरुखाबाद और फतेहगढ़, आप जहाँ भी रहते हो आप उस जगह का नाम लिखोगे। फिफ्थ सेंटेंस में माय फादर्स नेम इज डैश, आपके फादर का जो भी नेम है आप अपने फादर का नेम लिखोगे। और सिक्स्थ सेंटेंस में माय मदर्स नेम इज डैश, आप अपनी मम्मा का नाम लिखोगे। ठीक है, सबको समझ में आया ना अबाउट माई सेल्फ? ठीक है, अब मैम आपको एक होमवर्क दे रही है, आपको भी ऐसे सारे सेंटेंसेस लिखने हैं और अपने अपने जो भी डिटेल्स हैं, जैसे जिसका जो नेम है वो फिल करके मैम को व्हाट्सएप करना है। ओके, सारे बच्चे करेंगे ना? ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, बाय। अच्छा बच्चों, अब सब अपनी अपनी ये पर्ल्स वाली बुक ओपन कर लीजिए, जो आपकी ये सेमेस्टर वन की बुक है पर्ल्स की, इसको आपको ओपन करना है। और आपको क्या ओपन करना है? आपको ओपन करना है पेज नंबर 106। कौन सा पेज नंबर ओपन करना है? पेज नंबर 106। इसके बाद आपको ये देखिएगा, दिस इज मी, क्या लिखा हुआ है? This is me, यानी ये मैं हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है? आपको आपको ये बॉक्स दिख रहा है बड़ा सा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पेस्ट योर फोटो हेयर। यहाँ पे सबको अपनी अपनी पिक्चर चिपकानी है। क्या करना है? हर बच्चे को अपनी फोटो पेस्ट करनी है। यहाँ पे लिखा है पेस्ट योर फोटो हेयर, तो आपको यहाँ पे अपनी फोटो पेस्ट करनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक पोएम दी हुई है, मैं आपको वो पोएम पढ़ के बताती हूँ। ओके, पोएम क्या है? पोएम है आई एम स्पेशल। क्या है पोएम? आई एम स्पेशल, यानी मैं स्पेशल हूँ। आई एम स्पेशल, आई एम स्पेशल, सो आर यू, सो आर यू, मतलब मैं स्पेशल हूँ, मैं स्पेशल हूँ, क्या आप भी स्पेशल हो? हाँ, सारे बच्चे स्पेशल हैं ना यहाँ पे? तो आप सब स्पेशल हो। वी आर वेरी स्पेशल, वी आर वेरी स्पेशल, यस इट्स ट्रू, यस इट्स ट्रू, मतलब हम सब बहुत स्पेशल हैं और ये सच है, और ये सच है। अब सब बच्चों को क्या करना है? जैसे मैम पोएम बोल रही हैं, आपको भी पोएम बोलनी है और इस पोएम को लर्न करना है। ठीक है, मैम के साथ पोएम रिपीट करनी है और उसे लर्न करना है। आई एम स्पेशल, आई एम स्पेशल, सो आर यू, सो आर यू, वी आर वेरी स्पेशल, वी आर वेरी स्पेशल, यस इट्स ट्रू, यस इट्स ट्रू। ओके, सब लर्न करना। ओके, ठीक है।
उसके बाद मैम आपको एक होमवर्क दे रही हैं। अब होमवर्क में आपको क्या करना है, आप नीचे आओगे तो आपको ये दिखेगा टिक द करेक्ट पिक्चर, टिक द करेक्ट पिक्चर। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको दो फोटोज दी हैं, एक है गर्ल की फोटो और दूसरी पिक्चर है बॉय की पिक्चर, ठीक है। तो इसमें दिया है आई एम अ, अब जो जो गर्ल्स हैं यानी जो जो लड़कियां हैं वो गर्ल पे टिक करेंगी और जो जो बॉय हैं वो बॉय पे टिक करेंगे। ये बॉक्स दिया है ना, इसमें आपको टिक करना है कि आप गर्ल हो या बॉय हो, ओके ठीक है। सारे बच्चे ये होमवर्क करेंगे और जो मैम ने आपको आज पढ़ाया माइसेल्फ पे, वो सारे बच्चे उसकी वीडियो बना के मैम को सेंड करोगे होमवर्क पे, ठीक है ओके। चलो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक आप सब अपना अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो, ओके बाय।